गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी का जो आप वीडियो और ऑडियो क्वालिटी देख रहे हो, ये है GoPro Hero 9 से शूट कर रहा हूँ मैं। और जिस फ्रेम में मेरे बगल में जिसको आप देख रहे हो, ये आपका नाम क्या भैया? रवि है। रवि, रवि भैया हैं, ये है कर्नाटका से हैं, महाराष्ट्र के एकदम साउथ, महाराष्ट्र के बॉर्डर से लगता है ये, गुलबर्गा, जिस जगह से, गुलबर्गा के जगह से हैं, कर्नाटका से। तो यूं ही भैया से मेरी मुलाकात हुई। अभी मैं बैठा हूँ अभी रेणुगुंटा जंक्शन पे। रेणुगुंटा जंक्शन वही जंक्शन है जो मैं आप लोगों को 24 तारीख के रात में दिखाया था गंडीकोटा से वापस आते हुए। सो गाइज, मैं इस जगह पे बैठा था चेन्नई को जाने के लिए, और चेन्नई में जाऊँगा शाम में लगभग 6:30 बजे मेरी ट्रेन है। उस बीच में अभी लगभग कितना बज रहा है, 3:30 बजे भैया, लगभग 3:15 बज रहा होगा, भैया आए और यहाँ पे बैठे हैं। मैंने इनके हाथ में देखा GoPro Hero 9, मैं सोचा ब्लॉगर होंगे, फिर मैंने आके पूछा भैया से क्या आपके भी चैनल है, फिर हाँ, और भी बहुत सारे बेसिक सवाल मैंने पूछे, फिर देखा GoPro Hero 9 और भी, तो फिर चैनल इनका सर्च किया मैंने, उनका चैनल का नाम नीचे यहाँ पे आ रहा होगा। वैसे गाइस, आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मैं जब सड़क से आ रहा था आज, तो एक साइकिल वाले को देखा था, वो कोई फॉरेनर थे, उसके साइकिल के पीछे में लिखा हुआ था ऑल इंडिया राइड, जैसे साइकिल बाबा को आप लोग जानते होंगे, उसी प्रकार से कोई फॉरेनर था और उसके पीछे। मैं सोचा कि रुक करके देखूंगा, लेकिन मेरी ट्रेन थी तो जिस कारण से मैं रुक नहीं पाया। खैर छोड़ो, अभी मैं जा रहा हूँ चेन्नई, और आज दिन भर का वीडियोस तो मैं उतना सही से शूट नहीं किया हूँ, ब्लॉगिंग तो मैंने किया ही नहीं। एक्चुअली मैंने जितने भी वीडियोस आज शूट किया, सारे के सारे बैक कैमरा से शूट किया है, तो वो उसमें मैं वॉइस ओवर कर दूंगा। और अभी से स्टार्ट होगी, आज तारीख है 25 फरवरी 2022, तो बस इसको अभी यहीं पर एंड करता हूँ, उसके बाद आगे मैं अपने मोबाइल पर शूट करूँगा और मैं बताऊँगा आप लोगों को कि चेन्नई के जाने के दौरान में क्या है। स्पेशल एक चीज़ और बताना है, टीटी तो नहीं है ना, स्पेशल ये बताना है कि मैं कोशिश करूँगा अभी इस रेणुगुंटा जंक्शन से चेन्नई बिना टिकट के जाने का, क्योंकि मेरा कोई प्लान नहीं था आज जाने का, इसीलिए मैंने टिकट भी नहीं बुक किया था। और अभी मैं गया टिकट कटवाने, तो टिकट वहाँ पे नहीं मिला काउंटर पे, तो मैं क्या करूँ? अभी यहाँ पे रहना भी मेरे लिए ठीक बात नहीं है, यहाँ मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूँगा उससे बढ़िया मैं चेन्नई चला जाऊँगा, उधर जाके एक्सप्लोर करूँगा। बस यही छोटी सी स्टोरी थी जो आप लोगों से शेयर करनी थी, तो बस आगे आप देखिए मेरे कैमरे से। थैंक यू भैया। ओके ओके, और आप कुछ बोलना चाहेंगे मेरे चैनल में? अभी उसका चैनल भी पहले देखा, वो चैनल भी बहुत सारा बहुत वीडियोस है, और मेरे को फुल खुश हुआ इसको भी। वो अभी फर्स्ट टाइम एक व्लॉगर के साथ मैं बात करते हैं। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हूँ मैं चेन्नई में, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बगल में हूँ, और रात में मैं यहाँ पे पहुँच गया था। रेलवे स्टेशन के बाद मैंने एक रूम लिया, जो कि ये है रूम मेरा। इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ 450 रुपीज़। और अभी मैं नहा धोकर के रेडी हो चुका हूँ, सुबह के अभी 9:30 बज चुके हैं, और मैं अभी जा रहा हूँ चेन्नई को एक्सप्लोर करने। चेन्नई का मेरा एक दिन का प्लान है, मैं एक दिन में जितना कवर कर सकता हूँ मैं उतना कवर करूँगा, उतना मैं एक्सप्लोर करूँगा। अभी 9:30 बज चुके हैं, तो मुझे अभी यहाँ से निकलना है। तो ये रूम मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक बार अच्छे से। देखो ये बेड है, और उधर मिरर वगैरह है, जो कुछ भी है। रात में मैंने शर्ट को भी धो दिया था, ये शर्ट गर्मी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थी, तो शर्ट गंदा हो चुका था, यह अभी सूख गया। और जीन्स को मैं छत के ऊपर अभी सूखने दे दिया हूँ। अब मैं चलता हूँ बाहर एक्सप्लोर करने, घूमने। बाय बाय, आप लोगों को मिलता हूँ डायरेक्ट अगली वीडियो में।